नमस्कार, नित्यानंद सनवार। कक्षा पंचम, विषय व्यक्तित्व विकास अर्थात नैतिक शिक्षा। आज भैया बहनों, नैतिक शिक्षा में हमारा पार्ट 20, जीवन में सरलता, ठीक है, जिसका शीर्षक है जीवन में सरलता। ये भैया बहनों, ये जो पाठ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए एक महापुरुष, और उनके पिताजी हुए आशुतोष मुखर्जी, ठीक है। तो उनके विषय में ये पाठ है, कितने महान व्यक्ति थे। भैया बहनों, जो जितना महान होता है उसके अंदर उतने ही अच्छे गुण भी होते हैं, और वो एक न्यायाधीश थे, लेकिन उन्होंने एक दुखी महिला की किस प्रकार से सहायता की, विषम परिस्थितियों में उसकी किस प्रकार से सहायता की, यही इस पाठ में दर्शाया गया है। और वो कितने विद्वान आदमी थे ये भी इसमें दर्शाया गया है, आप देखेंगे इस पाठ को, अपनी पुस्तक निकालेंगे और इसको जो है पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे, इस पर मनन करेंगे। लीजिए पाठ 20, जीवन में सरलता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता श्री आशुतोष मुखर्जी, कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उनका जीवन बहुत ही धार्मिक एवं सात्विक था। रोज गंगा स्नान के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, फिर जल ग्रहण करते थे। भैया बहनों, वो कितने धार्मिक व्यक्ति थे, इन वाक्यों को पढ़ने पर ये पता चलता है, ठीक है। एक बार रविवार के दिन किसी मुकदमे की फाइल देख रहे थे, गंगा स्नान के लिए जाते जाते दोपहर हो गई। गंगा स्नान के बाद वे कंधे पर गीली धोती व गमछा हाथ में भरा लोटा लेकर लौट रहे थे। क्या घटना घटी उनके समय में, रास्ते में, ये इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। रास्ते में एक महिला ने उन्हें पंडित समझा और उनके पास पहुंची। वह हाथ जोड़कर बोली, ये जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, महाराज, मेरे पति का श्राद्ध होना है, लेकिन मुझ गरीब को कोई पंडित नहीं मिल रहा है, क्या मेरे पति बिना श्राद्ध अतृप्त ही रह जाएंगे? आंसू बापू ने उसकी करुणा भरी बातें सुनी, उन्हें
उस पर दया आ गई। बोले, चलो मैं श्राद्ध कराए देता हूँ। वृद्धा की कुटिया में पहुँचे और पूरी विधि से श्राद्ध की पूजन प्रक्रिया पूरी कराई। जब वृद्धा दक्षिणा व भोजन का आग्रह करने लगी तो बोले, माँ जी, भोजन व दक्षिणा किसी गरीब को दे दीजिए, मैं पैसे से श्राद्ध कराने वाला पंडित नहीं हूँ। भैया बनो, कितनी उदारता की बात थी, जो कि अदालत में जाना था, अदालत का काम उनको देखना था, लेकिन वो एक दुखी महिला को देख करके उस महिला के पति का श्राद्ध करने में लग गए। बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े आदर के साथ, विधि विधान के अनुसार उन्होंने महिला के पति का श्राद्ध किया। और जब वो महिला उनको दक्षिणा व भोजन करने का आग्रह करने लगी तो बोले, माता जी, भोजन व दक्षिणा किसी गरीब को दे दीजिए, मैं श्राद्ध कराने वाला मैं पंडित नहीं हूँ, मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मैं तो आपको दुखी देख करके और आपके आग्रह पर मैंने आपका ये श्राद्ध कर दिया है। भैया बहनों, इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने दुखी होकर के आता, हमें उसकी हर संभव उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, उसकी सहायता करनी चाहिए, वह किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है। अगला, अदालत का पेशकार वहीं पास में रहता था, उस बुढ़िया के घर के पास में ही अदालत का पेशकार भी रहता था। आंसू बापू जैसे ही वृद्धा की खोली से बाहर, यानी घर से, खोली यहाँ पर खोली शब्द का अर्थ है घर, घर से बाहर निकले की पेशकार की नज़र उन पर पड़ी, आशुतोष मुखर्जी पर पड़ी पेशकार की। कुछ ही देर में उसे पता लग गया कि जज साहब वृद्धा के आग्रह पर उसके पति के श्राद्ध के लिए वहाँ आए थे। एक महान न्यायाधीश की इस करुण भावना व सरलता को देखकर वह हतप्रभ हो उठा। भैया बहनों, उन्हीं के अदालत का ये पेशकार, जज साहब की इस प्रकार की उदारता को देख करके वो भी आश्चर्य में पड़ गया, उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, हतप्रभ हो गया कि जज साहब कितने उदार हैं, कितने
दयालु हैं कि उस महिला के आग्रह पर उसके दुख को देख करके किस प्रकार से उन्होंने उसके दुख का निवारण किया और इतना अमूल्य समय देकर भी उन्होंने उस महिला के पति का श्राद्ध किया, यह उनकी महानता है, ऐसा उसने भी विचार किया अपने मन में। दूसरे दिन पेशकार ने जब जज साहब की कोठी पर उनके बेटे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह बात बताई तो पूरा परिवार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। यह घटना उनके परिवार वालों को पता नहीं था, लेकिन वो जो पेशकार था उसको मालूम हो गया था। उन्होंने जब उनके बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह बात बताई और उनके परिवार में यह बात बताई तो वो सभी लोग परिवार वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वो भी बहुत प्रसन्न हुए कि इन्होंने कभी इस प्रकार का कार्य तो किया नहीं था, लेकिन आज इन्होंने असली पंडिताई का काम करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। भैया बहनों, इस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी अपना जीवन बहुत ही कष्टमय रह चुका है, जैसा कि उनके पिताजी का। पिताजी इतना अंग्रेजों के समय की बात है तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति और इतने ऊंचे पद पर रहते हुए भी उनके अंदर मैं यानी घमंड अंश मात्र भी नहीं था। वो कभी उनको कभी विचार भी नहीं आया मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैंने कभी ये कार्य नहीं किया है तो मैं ये कैसे कर लूँ, ऐसा भी उनके मन में विचार नहीं। उन्होंने केवल ये सोचा कि ये महिला बहुत ही दुखी है और इसकी मुझे सहायता करनी चाहिए। और उन्होंने, क्योंकि विद्वान तो थे ही, वो सब जानते थे, जो जिसके ऊपर दुर्गा जिसके ऊपर दुर्गा का आशीर्वाद हो, माँ भगवती का आशीर्वाद हो, ठीक है, जिसके ऊपर परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हो तो वो कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता है। उन्होंने मन से श्रद्धा से विश्वास के साथ विधि विधान के अनुसार उन्होंने उस महिला के पति का श्राद्ध किया था। और यह बात उनके परिवार वालों को आश्चर्य लगी, इन्होंने कभी ऐसा कार्य तो किया नहीं, ये कैसे कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि वह ईश्वर की कृपा थी इनके ऊपर। इस प्रकार से हमें भी संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे सामने भी ऐसी कोई घटना है, ऐसे कोई अगर दीन दुखियों की सहायता करने का मौका मिला तो हमें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। ये पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।